हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी होने वाला है। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया आप लोगों के लिए कि जिसके अंदर आप लोग मतलब जानबूझकर खुद को ढालते जा रहे हो, खुद को वो भ्रम की स्थिति में रखते जा रहे हो। तो मतलब ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था बनाना। मैं कल से मैं सोच रहा था, कल भवानी सर ने आपको समझाया भी था वीडियो बना करके, फिर भी आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे। तो आज मेरे लिए फिर से ज़रूरी हो गया ये वीडियो डालना, ठीक है। कल दिनेश सर ने भी आपको समझाया था वीडियो डाल करके, सारी चीज़ समझाई भी थी, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही है। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ BHTC के रिजल्ट को लेकर, ठीक है। रिजल्ट वापस जारी होगा या नहीं होगा, वापस जारी करवाने का जो एक सबूत है, एक कारण क्या हो सकता है जो आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो कि कमेंट सेक्शन पूरा भरा का भरा पड़ा है। भले किसी भी यूट्यूब चैनल का देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्यों, आप आखिर क्यों आप लोग इस रिजल्ट को वापस जारी करवाना चाहते हो? इस थोड़ी आप लोगों के ऊपर जो भ्रम का पर्दा है ना, आप लोगों के ऊपर चढ़ चुका है, आपकी आंखों पर आ चुका है ना, वो इस वीडियो के अंदर मैं हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक एज ए टीचर, एक ठीक है, एक ना कि यूट्यूबर, ठीक है, मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है। जो चीज़ बोलूँगा वो सच बोलूँगा और कड़वी बोलूँगा, तो वही बच्चे इस वीडियो पर रुकेंगे। मुझे पता है जो क्या है, सच्चे हैं और दिल के अच्छे हैं, ठीक है, वो चीज़ समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत, लास्ट तक देखना। जो भी आप लोगों का डाउट है, जो भी आप लोगों का भ्रम है, जो भी पर्दा लग चुका है आपकी आंखों के आगे, वो हट जाएगा जरूर, ये मैं कोशिश पूरी करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उदयपुर क्लासेस का ऐप आ चुका है, आपका ऐप है, ऑफिशियल ऐप। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, ना कि ये ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ये ऐप हमारा है, लेकिन इस ऐप पर भी हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इसी ऐप पर काम कर रहे हैं जो हमारे चैनल का लोगो रखा है, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये इस ऐप जो लोगो, ये डाउनलोड करना है। उसके बाद आप CET की तैयारी कर रहे हो, और आपको CET की तैयारी करनी है, कर रहे हो नहीं करनी है, 12वीं पास सब बच्चा एक बार आ, जो भी आप मुझे पता है 12वीं पास ही हो, तो आपको फॉर्म भरना है CET का। 4-5 दिन आपके पास में शेष है, भूल मत जाना, ठीक है। फिर बोलोगे सर बताया नहीं, तो CET का फॉर्म सबको भरना है, फिर पछताओगे, डेट निकल जाएगी, ठीक है। तो फॉर्म सबको भरना, और CET का ग्रुप मैंने बना लिया है। आपको यदि ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर पर मैसेज करना, 63-76-44-30-87, इस नंबर पर मैसेज कर देना। पहले मैसेज कर दिया है तो आपने वापस मत करना, क्योंकि मैं सबके मैसेज देखूंगा। थोड़ा सा भी क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं मैसेज सीन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले मैसेज कर दो, वापस मत करना मैसेज, ठीक है। दो नए बच्चे वही मैसेज करना मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देख लेते क्लासों का टाइम क्या रहने वाला। क्लास से आज शाम से शुरू होने वाली आपकी, शाम 7 बजे से होगी इंडिया GK, 8 बजे होगी जनरल साइंस, 9 बजे होगी आपकी राजस्थान GK, ठीक है। ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री चलने वाली है, आपको ऐप भी डाउनलोड करना, वहाँ पर नोट्स और फ्री टेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं BHTC के रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब जब रिजल्ट जारी हुआ तब से ये, मतलब ये चीज़ इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, जिसके अंदर बच्चे क्या कुछ सोच समझ नहीं पा रहे, खुद नहीं सोच पा रहे, खुद नहीं सोच पा रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, खुद की जो एक एबिलिटी होती है सोच समझ की, वो शक्ति डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें क्या चल रही है, देख सकते हो आप लोग, मतलब बहुत दिमाग खराब हो चुका है मेरा। कल से ही पूछो मत, इतना गुस्सा आ रहा है कि अब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, BHTC परीक्षा परिणाम BD कला का आया बयान, वापस जारी होगा, ठीक है। देखो राजस्थान BHTC परिणाम दोबारा जारी होगा, मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। राजस्थान BHTC परीक्षा दोबारा जारी होगा, देखो यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री लगाई फटकार, दोबारा परिणाम। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी भावुक हो गए, ठीक है। यहाँ पर बड़ा धोखा हो गया, रो रो कर बोला, अरे भाई सुन लो, जो भी भाई साहब हो आप सुन लो, कहाँ धोखा हुआ, क्या धोखा हुआ, बताओ क्यों रो रहे बच्चे, रोने का कारण क्या है मुझे बताओ। मतलब एक क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों को आप मतलब फालतू में इस ऐसी परिस्थिति के अंदर ढाल रहे हो, ऐसी मानसिकता उनकी डेवलप कर रहे हो, मतलब कहाँ धोखा हुआ है, क्यों रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, ये बताओ मुझे। अब बात रही है इस टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में नंबर एक बच्चे को कम नहीं मिले हैं, सबको कम मिले हैं, और यदि मिलते सबको नंबर तो सबको ही मिलते नंबर। मतलब ये क्यों ये चीज़ ऐसी हो रही है बार बार, यदि भाई साहब टीचिंग एप्टीट्यूड नंबर कम मिले हैं, वो पहले वाला सिस्टम पैटर्न हटा दिया है, तो सब बच्चों को कम नंबर मिले हैं ना, सबको कम नंबर मिले हैं, एक को ज़्यादा नहीं मिले। ऐसा नहीं एक बच्चे के लिए वो पैटर्न रखा, पहले वाले एक के लिए नहीं रखा, और नंबर मिलते तो सबको वो नंबर मिलते, सबको नंबर मिलते तो सबके नंबर अच्छे आते, और सबके नंबर अच्छे आते तो कट ऑफ बहुत हाई जाती, बहुत हाई कट ऑफ जाती, ठीक है। यदि इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर नंबर पूरे के पूरे पहले जैसे मिलते ना, तो कट ऑफ इतनी हाई जाती, आप सोच नहीं सकते थे। 450+ नंबर तक तो आप लोग मतलब सोच सकते हो कि वहाँ तक कट ऑफ चली जाती, आराम से चली जाती। तो मतलब एक चीज़ समझो आप, यहाँ पर जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, इन्होंने भाई साहब ने बोला था कल, ठीक है, इन भाई साहब ने कल बोला था कि टीचिंग एप्टू नंबर कम मिले, धोखा हुआ, रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अरे भाई साहब कोई धोखा नहीं हुआ, एक बच्चे को हम नंबर नहीं मिले, समान यहाँ पर समान रूप से सबके साथ में वो पैटर्न पहले वाला था हटा दिया है ना, समान रूप से ये पैटर्न हट गया ना। अब उसी पैटर्न को वापस आप नए रिजल्ट के अंदर जारी करवाना चाहते हो, मेरी बात सुनो, नए रिजल्ट के अंदर उसी पैटर्न को लागू करके जरवाण का जारी करना चाहते हो, तो
आपके भी नंबर बढ़ेंगे, है ना। जिसके नंबर कम आ रहे उसके भी बढ़ेंगे, जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे उसके भी बढ़ेंगे, क्योंकि जिसके ज़्यादा आ रहे उसके बाकी विषयों में ज़्यादा आ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबके कम है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सब बच्चों के नंबर कम है। यदि सबके बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा नंबर है उसके बढ़ेंगे, कम वाले के बढ़ेंगे, फिर आप तो वहीं रह गए ना, आप तो वहीं रह गए। आपको मतलब एक सोचो, एक समान रूप से सबको नंबर दिए गए ना, किसी एक बच्चे के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पैटर्न हटाया है कि बताओ मुझे, सोचो एक किसी एक बच्चे के लिए हटाया है, किसी एक बच्चे के लिए हटाया नहीं, हटाया ना किसी एक बच्चे के लिए, तो क्यों इतना लोड ले रहे हो बताओ मुझे, नहीं लेना लोड, ठीक है। यहाँ पर ही देखो ये चीज़ें देखो सब, ये क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, और उसके पीछे पीछे हमारा कमेंट सेक्शन, कल के वीडियो का कमेंट सेक्शन मैंने, मेरा भी देखा कल के वीडियो को, दिनेश जी का वीडियो थो लेयर क्लासेस का, उनका कमेंट सेक्शन मैंने देखा। मतलब हे भगवान, आपको टीचर समझा रहे हैं, है ना, जब आपके टीचर आपको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, क्यों आप फालतू में अपनी मानसिकता डेवलप कर रहे हो। दूसरी तरफ अब लास्ट बात मैं कहूँगा, यहाँ भाई साहब राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, रीड जैसी बड़ी भर्तियाँ हो जाती है, उसके अंदर घपले हो जाते हैं, धांधलियाँ हो जाती है, उसके अंदर कोई सुधार करवाने के लिए यार कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितने धरने प्रदर्शन, कितने लोगों की मेहनत लगती है उसके अंदर, सरकार कहाँ सुनती है बताओ मुझे। और आप हो बच्चे हो, ठीक है, आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो, एक ये प्री एग्ज़ाम है, ये प्री एग्ज़ाम था, ठीक है, ये कोई एक भर्ती एग्ज़ाम नहीं था, इससे आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है, इससे आपको कॉलेज मिलेगी। और आप जो ये सोच रहे हो ना कि रिजल्ट वापस आएगा, निकाल दो मन में से, निकाल दो मन में से, मैं खुला बोल रहा हूँ। अब आपको मेरे ऊपर भी गुस्सा आएगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ये भले के लिए बोल रहा हूँ। सबके नंबर कम आए तो सबको समान रूप से कम नंबर मिले, अब वापस सबका परिणाम वापस आप जारी करना चाहते हो तो सबके समान रूप से नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप तो वहीं के वहीं रह गए, है ना, आप तो वहीं के वहीं रह गए। जिस बच्चे ने पढ़ी टीचिंग अच्छे से उनके नंबर आ गए, जिन्होंने थोड़ा मतलब मजाक में लेकर चले गए टीचिंग एप्टीट्यूड को, भाई क्या तीन दो नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, उस अनुसार तो आपको नंबर नहीं आया, ठीक है, सच्चा यही है। जो लोग बच्चे पढ़े थे आराम से, ठीक है, मैंने आपको बोला भी था जब क्लासों के अंदर, मैंने कहा आप ऐसी मानसिक डेवलप करो कि आपका पर्सन गलत जाए ही नहीं, सही जाए, क्यों तो आप क्यों दो नंबर तीन नंबर के पीछे भागे, आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना ये चीज़ें। और प्रश्न भी टीचिंग एप्टीट्यूड इतने हार्ड थे, चार पांच प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, बाकी सब क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन थे, पेपर मैं खुद देकर आया हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि पेपर कैसा था, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का इतना भी हार्ड नहीं था। यहाँ पर बच्चों ने क्या टीचिंग एप्टीट्यूड हमेशा हल्के में लेते थे, मेरी क्लास से टीचिंग एप्टीट्यूड मैं पढ़ाता था तो मेरी क्लासों के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड कभी भी 200-250 से ऊपर संख्या नहीं गई, ठीक है, 200-250 से ऊपर कभी संख्या नहीं गई टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। यही बड़ा नुकसान आपको यहाँ हुआ, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया सब्जेक्ट पर, अब नहीं ध्यान दिया तो विभाग ने पैटर्न बदल दिया, वो नुकसान अब आपको हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट को समान रूप से पढ़ना, समान रूप से पढ़ना, समान रूप से, ठीक है, तैयारी करनी है। अब बात रही लास्ट, तो ना तो कोई रिजल्ट वापस आने जाने की संभावना है, क्योंकि ये बीएसटीसी का रिजल्ट है भाई साहब, यहाँ रीड जैसे पटवर जैसे भर्तियों के अंदर बड़े बड़े धांधलियाँ हो जाती है, वहाँ पर सरकार को कितना ही मतलब बोलो, कितनी धरने प्रदर्शन करो, लोग कितना हुजूम के साथ हुजूम जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता रहा भाई साहब, यहाँ एक प्री एग्जाम का रिजल्ट वापस जारी करवा रहे हो, नो पॉसिबल नहीं है। तो अब लास्ट मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा, सब चीज़ें छोड़िए, नंबर कम आए हैं काउंसलिंग सब करवाइए, ठीक है, जिनके भी 350 से ऊपर नंबर है, ठीक है, कॉलेज सबको मिलेगा, कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि नंबर सबके कम है, नंबर सबके ही कम है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, यही कट ऑफ आपके आसपास रहने वाली है, जिसमें सबको कॉलेज मिल जाएगी आराम से ही, ठीक है। बाकी जिसके ज़्यादा ही नंबर कम आ रहे हैं भाई साहब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, अब कुछ बच्चे क्या है कि उनका बहाना मिल गया है, नंबर तो सब विषयों में कम है लेकिन उनको टीचिंग एप्टीट्यूड दिख रहा है ना, नंबर तो हिंदी में बस 20 नंबर है, इंग्लिश में 20 नंबर है, रीजनिंग के अंदर 50 नंबर है, अब वो तो उनको दिख नहीं रहे हैं, उनको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला नंबर दिख रहे हैं कि मेरे इसमें कम कैसे आ गए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो रिजल्ट वापस जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बस मेरी तरफ से ये आपको मैंने कहना चाहूँगा, है ना, कि आप लोग बस आगे की तैयारी कीजिए, शुरू कर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा। हाँ, ऐसा कभी होता है रिजल्ट वापस जारी होता है, बस आप लोगों के हम साथ आपको रिजल्ट बता देंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये सब लोग फेक न्यूज़ है, संद व्यूज़ के लिए थोड़े टाइम के लिए आप लोग ये जो यूट्यूबर है थोड़े व्यूज़ कमा सकते हैं, लेकिन बच्चों को फाज भ्रमित कर रहे हैं। बच्चों आप लोग आगे बढ़ो, सीईटी की तैयारी करो, आप सीईटी अच्छे से तैयारी करते हो तो अगले बीएसटीसी में आपका नंबर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, इस बार सिलेक्शन हो रहा है तो भी बीएसटीसी, तो आप सीईटी की तैयारी के ऊपर लग जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है, पीछे नहीं रहना है, अगली प्रोसेस पर ध्यान दो। जिन बच्चों अच्छे नंबर आ रहे हैं वापस अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो, ठीक है, इन चीज़ों पर छोड़ो सब चीज़ों को, ठीक है, बाकी यही बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को देना चाहूँगा। बाकी आज शाम से क्लासेस शुरू हो रही हमारे चैनल पर, तो क्लासों को ज्वाइन करना है, ठीक है, और मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो इसलिए माफी चाहूँगा, एक टीचर हूँ, मेरा बोलना फर्ज था आप लोगों को, ठीक है, मैंने बोल दिया, बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है, एक टीचर एज ए टीचर मुझे आपकी चिंता हो रही, क्योंकि आप भ्रमित हो रहे थे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप रिजल्ट वापस जा रही हो, तो आप लोग इसी चीज़ छोड़िए, वीडियो देखना बंद कीजिए फालतू के, आगे अपनी अगली प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, अगली तैयारी पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं शाम को क्लासों के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत।